दिशा देती है। माँ जगत जननी भवानी सुंदर भगवान महादेव की प्रार्थना करती है। ब्रह्मा और विष्णु शिव के विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं और बाबा महादेव के चरणों में जाकर के सभी देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, महादेव हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मन हे हरे में युवा प्रियतरो सदा दृष्ट्वा वाच ममानन्दो भवत्येतराम खर। हे ब्रह्मन हे विष्णु, आप दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। आप दोनों को देख करके मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आप लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं, त्रिलोकी में त्रिलोकी के स्वामी हैं, लोक हित के लिए आप सदा कार्य करने वाले हैं। किंतु हे सर्वश्रेष्ठ, सदा तपस्या में संलग्न रहने वाले मुझ योगी के लिए क्या विवाह करना उचित है? जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला है, निरंजन है, अवधूत देह वाला है, निर्विकार है, क्या उस महाकाल के लिए विवाह करना उचित है? सारे देवताओं से महाराज भगवान शिव ने इस बात को कहा। महादेव बाबा कहते हैं, मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहना ही प्रिय है। मैं तो सदा योग में ही लगा रहना चाहता हूं। संसार में विवाह करना बहुत बड़ा बंधन समझा जाता है। विवाह करना सबसे बड़ा बंधन है मेरे भाई। जब तक व्यक्ति विवाह नहीं करता तब तक आजाद पंछी है, और विवाह करने के बाद में भले ही विवाह रूपी लड्डू के लिए व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है, पर दुनिया के सारे प्रपंच विवाह के बाद ही शुरू होते हैं महाराज। ये मोह माया विवाह के बाद ही शुरू होती है। आजाद रहने वाला पंछी भी, और एक बात और देखो, जिनका विवाह हो चुका होता है वो आगे आगे बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं, नाचते हैं। जिसका विवाह हो रहा होता है उसको घेर करके रखते हैं, आगे बैंड बाजे बजते रहते हैं, घेर करके रखते हैं। क्यों बैंड बाजे क्यों बजा रहे हैं? कि कहीं इसको ज्ञान नहीं हो जाए कि ये फंसने जा रहा है। हम तो फंसे सो फंसे इस ओर फंसाओ, तो बैंड बाजा बजा बजा के उसके दिमाग को महाराज अलग ही रखते हैं डाइवर्ट, कि वो सोच ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। नाचते हैं, वाह वाह एक और फंसेगा आज, वाह वाह एक और फंसेगा आज। और आप देखना, जैसी वरमाला गले में डली सो सब भोजन कर करके छोड़ करके अकेला ही आ जाते हैं। बोले अब तो फंस गया, अब फांसी गले में डल गई, अब फिर कोई साथ नहीं देता, बेचारा अकेला ही बैठा है। तो बाबा महादेव भी इस बात को कहते हैं, विवाह है करणम लोके विज्ञेयम् परबन्धनम् तस्मात्तस्य रुचिर्नो मे सत्यम् सत्यम् वदाम्यहम्। हे ब्रह्मा जी हे विष्णु जी हे देवताओं, संसार में विवाह करना जो एक बहुत बड़ा बंधन समझा जाता है, इसलिए मैं सत्य सत्य कह रहा हूं कि मुझे इस विवाह में कोई रुचि नहीं है, मैं विवाह नहीं करना चाहता। सारे देवता कहने लगे, महाराज हमारी आंखें आपका विवाह देखना चाहती हैं, हमारी आंखें आपका विवाह देखना चाहती है, क्योंकि हम क्योंकि हमारी कटी सो कटी सामने वाले की भी कटनी चाहिए महाराज। तो भोले बाबा ने जब सब देवताओं ने प्रार्थना की तो भोले बाबा कहते हैं कि देखो हे हरे हे ब्रह्मन, ये उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी प्रसन्नता के लिए मैं विवाह अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के अधीन हूं। भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान।
भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है। बहुत सुंदर महाराज, भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। देखो बाबा महादेव वैरागी हैं, विवाह नहीं करना चाहते, फिर भी अपने भक्तों की खुशी के लिए बाबा महादेव ने विवाह किया, खुशी के लिए, क्योंकि बाबा महादेव को पता है कि विवाह के बाद में वो बंधन प्रारंभ होता है जिसमें इंसान सोच नहीं पाता, सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, और तीन चीज याद रही, लोन तेल लकड़ी, बस। बहुत कम लोग हो पाते हैं जो आजादी से रह पाते हैं, बहुत कम लोग हो पाते हैं जो इस बंधन से परे रह पाते हैं महाराज, बहुत कम, बाकी बड़ा मुश्किल है। पर बाबा महादेव ने कहा, देवताओं मैं विवाह तो करूंगा पर एक शर्त है। क्या शर्त रखी? तत्रापेकं पणं मे त्वं श्रृणु ब्रह्मश्च प्रति अविश्वासो मदुते मया यक्ता भविष्यति। मैं जिसके साथ विवाह करूंगा, जिस दिन उसने मेरे वचनों पर अविश्वास किया, मैं उस दिन उसका त्याग कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये कथा क्या संकेत कर रही है। पति और पत्नी के बीच में विश्वास ही एक ऐसी धुरी है जो दोनों को बांध करके रखती है, और जिस दिन वो विश्वास रूपी धुरी टूट जाती है, उस दिन रिश्ते छूट जाते हैं। और आज सजनों, हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, हमारा विश्वास नहीं है एक दूसरे पर, और इसीलिए ये विवाह के बंधन केवल खाना पूर्ति रह गए हैं, केवल नाम के रह गए हैं, न पति को पत्नी पर विश्वास है, न पत्नी को पति पर विश्वास है, एक दूसरे को विश्वास ही नहीं है। और विवाह एक ऐसा बंधन है मेरे भाई, देखिए गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिया हैं, एक का नाम है पति, एक का नाम है पत्नी। जब दोनों गाड़ी के पहिए आपस में मिलकर के चलते हैं विश्वास की धुरी से बंद करके, तब ये गृहस्थी की गाड़ी मंजिल पर पहुंच पाती है। और एक कहे मैं दाएं जाऊं और एक कहे मैं बाएं जाऊं, तो गृहस्थी की गाड़ी टूट करके बिखर जाती है मेरे भाई। बस बस बाबा महादेव ने इस कथा के माध्यम से हमें यही शिक्षा दी है, एक दूसरे पर विश्वास करना सीखिए, एक दूसरे की उजड़ जाता है मेरे भाई। और विवाह की सुंदर महाराज तैयारियां प्रारंभ होती है, और बहुत ही सुंदर जो महादेवी सती तपस्या कर रही है उनको दर्शन देते हैं भोले बाबा। और दर्शन देने के बाद देखिए, माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी भवानी अनादि काल से शिव की पत्नी है, ध्यान दीजिएगा, अनादि काल से एक दूसरे को जानते हैं, अनादि काल से। सती भी समझती है कि शिव कौन है, और शिव भी समझते हैं कि सती कौन है। लेकिन सजनों, उसके बाद भी जब भोले बाबा दर्शन देने के लिए महाराज माता सती को गए, तो माता सती ने, जब भोले बाबा ने कहा, देवी मैं प्रसन्न हूं, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ, तो जानते हो माता सती ने क्या कहा? हे महादेव, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं,
तो देव देव महादेव विवाह विधि ना प्रभो पितुर में गोचरी कृत्य मां गृहान जगत पति। हे महादेव अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मेरे पिता से मेरा हाथ मांगिए और आपका और हमारा विवाह है। देखिए जगत जननी है, भवानी है, मां है, अनादिकाल से एक दूसरे पति पत्नी है, अनादिकाल से। फिर भी संसार में जब अवतार लेकर के आते हैं तो वो भी नियमों का पालन करते हैं। आज के बच्चे कहते हैं माँ बाप कौन होते हैं विवाह करने वाले, हम 25 साल के हो गए। तो महाराज ऐसे बच्चों के 35 टुकड़े होते हुए समय नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा। जो अपने माता पिता के वचनों पर अविश्वास करते हैं, माँ सती जगत जननी भवानी सक्षम है, अनादिकाल से महाराज वो पत्नी है इनकी, माँ बाबा महादेव की सब कुछ परिचय है। लेकिन नहीं, संसार में अगर हम आए हैं तो संसार के इन परिवार के बंधनों को, चाहे आप बंधन समझिए, चाहे नियम समझिए, चाहे मर्यादा समझिए, इनको निभाना ही पड़ेगा अगर आप सुख चाहते हो तो। और समाज से परे जाकर के अगर आप इन बंधनों को नहीं निभाना चाहोगे तो दुख के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है।